बिटू हमारा सो रखा है मस्त। Hey guys, welcome back to my channel. और now I'm feeling so better. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हमारा बेबी सो रखा है. आज है 7th जून और ना अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ. ये हमारी कियो हमारे साथ है, इसको अभी नहाना है और हमारे बेबी की भी अभी मालिश होगी. नहाना होगा उसका. और आज ना भाभी बना रही है मेरे लिए लड्डू, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, गून के लड्डू. तो उसकी भी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे लिए कैसे लड्डू बन रहे हैं. भाभी मेरा जापा कर रही हैं बहुत अच्छे से. एकदम मेरा पैम्पर फेस चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था. और फिलहाल तो अभी हम बेबी को उठाते हैं, उसको नहलाना है, उसको पहले मालिश करनी है, देन उसको नहलाना है. ये मेरी देखो एक्टिंग कर रही है. और भाभी अभी किचन में हमारे लड्डू प्रिपेयर कर रही हैं, वो भी मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी. थोड़े से लड्डू हमने लेट बनाए बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम थोड़े से कॉन्शियस थे कि बेबी को बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए या इवन मुझे गर्म ना हो जाए. तो फाइनली अब टाइम आ गया लड्डू खाने का, है ना. क्यों, आप भी खाओगे लड्डू, आपको पसंद है, क्यू को भी पसंद है. तो फिलहाल मैं अपने बेबी को उठाती हूँ और ये ना सो रहा है और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम मालिश और नहलाना नहीं कर सकते. तो चलें अब बेबी को उठाने चलें. चलो, ये हमारे लड्डू की प्रिपरेशन चल रही है. ड्राई फ्रूट सारे कट चुके हैं, भाभी पूरी मेहनत कर रही है. ये मखाने सारे डल जाएंगे. मखाने कैसे डालेंगे, भूल के? अच्छा. और इधर हमारा घी बन गया है, थोड़ा घी हमने और बना लिया है, थोड़ा हमारा वहाँ पे रखा हुआ है. और यहाँ हमारे आटा भी भुनेगा, है ना. ये हमारा घी अभी फ्रेश बना है और वहाँ पे भी रखा हुआ है. अभी हम थोड़े से ही लड्डू बनाएंगे, लाइक 1-2 किलो. लेट सी डाइजेस्ट हो पा रहे हैं या नहीं, फिर हम और बना लेंगे फिर से, है ना. क्यू अब जल्दी से नहाने जाओ, आप जाओ. ये हमारा गोंद आ गया, गोंद 50-100 ग्राम. हाँ, गरम है ना वैसे ही. तो अभी जब तक लड्डू बन रहे हैं तब तक हम चलते हैं अपने लड्डू को उठाने. लड्डू जी उठ जाओ भाई. तो हम अभी छोटे बेबी की मालिश करेंगे, है ना. क्यों, छोटे बेबी के लिए तो थोड़ा सा तेल चाहिए होता है ना, थोड़ा सा तेल ही भी इनफ है. बस हो गया, मेरा बेटू हो गया. एक मिनट, चाची को अभी डिस्ट्रैक्ट मत करो. Hey guys, welcome back. तो टाइम हो रहा है 12:10 और हमारा बेटू सो गया है उधर, अच्छे से सो गया. मैंने फीड वगैरह करा दिया है उसे और मेरा भी टाइम हो गया सोने का बिकॉज बच्चे ने रात भर मुझसे जगराता करवाया है. तो अभी मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी, वेदर भी ठीक है तो फैन में काम अच्छे से बन रहा है. अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमें एसी बीच बीच में चलाना पड़ रहा है. ऊपर से टॉप फ्लोर है तो गर्मी और ज़्यादा हो रही है. अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स दूध लिया है अपने ब्रेकफास्ट के बाद और अभी भाभी भी नहाने गई हैं, फिर भाभी भी बनाएंगी पंजीरी जो भी घूम के लड्डू बनाने हैं. तब तक मैं करती हूँ रेस्ट. हो गया है, हमारा गूंद फ्राई हो रहा है घी में, अभी फूल जाएगा ना. हाँ, फूल जाता है, इससे ही हो जाएगा ना. वैसे तो फिर ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, ये हमारा आटा भून. सबसे मेहनत लगती है इसे भूनने में. अरे वो कड़वाहट लगेगी, कड़वाहट आएगी.
तो वहाँ हमारी कड़ी बन रही है। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स अभी जाएंगे। अच्छा, इनको भी तो तलना है ना हमने अभी। लो, हम कर लो आराम से। मुझे ऐसा लग रहा है ना, किशमिश नहीं करने चाहिए, नहीं है ना, किशमिश मत करना, वो फिर अजीब से हो जाते हैं, फूले फूले से जाएगा तो चल जाएगा। चावल बन गए। तो गाइस, टाइम हो रहा है 2, ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया और हमारे लड्डू की प्रिपरेशन चल रही है और बिटू हमारा सो रखा है मस्त एकदम, तो अभी लंच करेंगे। आज लंच में है कढ़ी चावल। फाइनली बहुत दिनों बाद मैं थोड़ा सा वो बेसिक मील पे आ रही हूँ, बिकॉज अब काफ़ी दिन हो गए, 11-12 दिन हो गए, तो अब धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अभी तक तो मैं दलिया, खिचड़ी, ओट्स, थोड़ा कॉन्शियस मील ही ले रही थी, बट अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अपनी नॉर्मल मील पे आने का टाइम आ गया है। और अभी भी लड्डू की प्रिपरेशन चल रही है और मैं दिखाती रहूँगी आपको क्या क्या मेहनत चल रही है हमारे लिए। सबसे मेहनत का काम गूंद को कर रहे हो ना, गूंद को, ये सबसे गंदा काम लगता है मुझे, सिलबट्टे से ना फस 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 करके। को करने में बड़ी मेहनत लगती है यार। भाभी परात निकाल रही थी मैं बेड से, बड़ी सी परात है, बहुत बड़ी। हाँ, वही तो, वही वाली बात है ना, दीपक को बता देते सुबह, बड़ी सी परात है एक ना, वो शादी वाली, वो तांबे पीतल की, पीतल की उसमें बन जाते हैं। चलो कोई नहीं, क्योंकि मिक्स नहीं हो पाएगा, या फिर डो, अरे नहीं, जिसमें सब्जी बनाई थी वाला वो ले आओ ना। कहाँ है वो? नीचे ही था, वो नीचे ले गए थे फिर। उसमें सही मिल जाएगा। हाँ, पर हाथ में तो फिर भी फैल जाएगा। हाँ सही है। नहीं नहीं ठीक है, इतना तो मैं गूंद खा लेती हूँ। ठीक है, कुछ ना है। इधर हूँ मैं। मेरे सारे कपड़े गिर गए। अभी जाएंगे, रुको, आप मत जाना, गर्म हो रहा है बाहर। रुको, फैन चला देती हूँ, गर्मी कितनी हो रही है। अच्छा तो गर्मी है ना अभी, कोई नहीं। नहीं 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 नहीं, चुको 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 चुको, देख देख लो, कोई नहीं, सही है मीठा। नहीं खा सकते, मतलब मीठा खाती है। एकदम ठीक है, एकदम सही है। मीठा नहीं, लाइट ही, मतलब लाइट भी नहीं है, एकदम मीडियम है, एकदम परफेक्ट है। क्यों आधा थोड़ी मीठी ज्यादा होती है ना, बुरा तो 150 का ही होगा। दो आटा, दो ढाई किलो शायद।
लड्डू बनाने यहाँ बैठ के, अभी तो गर्म है ना, यहाँ हो गया ठंडा। क्यों आ जाओ, क्यों यहाँ पे छोटे बेबी के साथ सुई है। आ जा क्यों, आ जा लड्डू बनाएंगे तेरे को खिलाऊंगी, आ जा आराम से आराम से आराम से। हाँ आ जा इसको खिला दो पहला लड्डू, छोटा बनाओ यार इससे, इससे छोटा बनाओ मेरे। हाँ ये ठीक है साक्षी साइज, ठीक है इसको दो, इसको दो पहला लड्डू, लो खाओ। कैसा हो रहा है, फू फू फू, मैं देती हूँ मैं देती हूँ। नहीं अभी खाओ, अरे गरम है गरम है पूरा, नहीं नहीं वो रहा रख दिया उसने। अच्छा अच्छा मुझे लगा इसने मुंह में डालो, ये ले नहीं खाओ अभी खाओ। यहाँ चल रही है लड्डू बनाने को, मुड्डी दे दूँ मैं अभी आपको। अच्छा हाँ बेसन के भी तो बनाओ के। मम्मी भाभी सुबह से लगी हुई है और अब जाके अभी भी खाता, अभी भी मुझे लग रहा है इसमें आधा घंटा एक घंटा तो लगेगा ना, नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा है, टेस्टी हो रहा है, कैसा है बताओ, रिव्यू दो। अच्छा है दिखाओ, खा के तो दिखाओ फिर, टेस्ट तो करके दिखाओ ऑडियंस को। एक सुबह खा ले एक शाम खा ले। दूध में ले लूंगी।